और अब देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें बड़ी तेजी से। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी, कहीं वहीं नागालैंड में भी बीजेपी और उसकी सहयोगी एनडीपी की सरकार बन रही है। मेघालय में 27 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करने वाली एनपीपी के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के संकेत। दूसरी बड़ी खबर, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बंपर जीत से गदगद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जश्न में डूबे। मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर न दलों से। नागालैंड में पहली बार महिला एमएलए, 7 महीने पहले राजनीति में आई हेकानी, जाखलू जीती। सालहुटू ओनो क्रूज भी 7 वोट से जीती। दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक, पीएम मोदी ने G20 देशों से आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है, साथ ही ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को पूरी तरह से फेल बताया है। इटली की पीएम जॉर्जियो मिलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, कहा मोदी दुनिया के सबसे चहेते नेता हैं, दोनों देशों में होगी रणनीतिक साझेदारी। अडानी हिंडनबर्ग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस अवे मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कोर्ट ने सेबी को 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। गौतम अडानी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम की मांग पर फैसला सुनाया। कहा गया है कि पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई की कमेटी ही चयन पर फैसला लेगी और नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों के पंजाब अलर्ट के बीच सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच बॉर्डर सुरक्षा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और अजनाला में पुलिस पर हुए हमले को लेकर चर्चा हुई है। पंजाब को सुलगाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया है। वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह पर हमले की आशंका, यह हमला देश विरोधी तत्व कर सकते हैं। छतरपुर में एक शादी समारोह में फायरिंग के मामले में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को बेल मिली है। जिला कोर्ट ने शालिग्राम समेत 2 आरोपियों को 25,000 के मुचलके पर जमानत दी। आज हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। ब्रिंड को सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल गिरफ्तार। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में यह 10वीं गिरफ्तारी है। ढल का नाम सीबीआई की एफआईआर में भी शामिल। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन। प्रयागराज में अतीक गैंग के करीबी सफदर अली के घर चला बुलडोजर। अभिनेत्री सुष्मिता सेन को आया था हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी भी की गई। एक्ट्रेस ने खुद दी जानकारी, कहा नई जिंदगी मिली, हार्ट हमेशा स्ट्रांग रखें।